students, this is Sakshi from SGP Management in Process. Students, today we will revise exercise 11.3. जैसे कि हम पहले कल कर चुके हैं कि हम bigger unit को smaller unit में जब change करते हैं तो multiply करते हैं. Same आज हम वही करेंगे. कल हमने किया था hours को minute में convert करते हुए. Hours हमारी bigger unit थी और जब हमने उसे minute में convert किया था तो 60 से multiply किया था. आज भी हम same वैसा ही use करते जा रहे हैं. देखिए आज हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए क्या कह रहा है वो, टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई. जब हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स. हियर आर सम एग्जांपल्स. यहां कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको जिससे कि आपको पता चलेगा कि बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हुए 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है. देखिए 40 मिनट्स को हमने यहां सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. 40 मिनट्स है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, मिनट्स हमारी बिगर यूनिट है और सेकंड हमारी स्मॉलर यूनिट है. बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है तो 40 को हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि मिनट बिगर है और सेकंड हमारा स्मॉलर यूनिट है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बट हम 60 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 60 से हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 1 मिनट हैज 60 सेकंड्स. एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 40 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2400 सेकंड्स. नेक्स्ट एग्जांपल इज 15 मिनट्स 20 सेकंड्स. 15 मिनट्स को हमने यहाँ सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. 15 मिनट्स 20 सेकंड्स में कितने सेकंड्स होते हैं. अब हम 15 मिनट्स को जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. 15 को जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये सेकंड हमारे साथ साथ चलते रहेंगे. जब हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 900 सेकंड हमारा आ जाएगा. 20 सेकंड हमारे पास यहाँ है ऑलरेडी. जब 900 सेकंड और 20 सेकंड साथ में होंगे, दोनों ही देखिए सेकंड की फॉर्म में है तो हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे. 900 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो 920 हमारे पास सेकंड आ जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 11.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. आप ये अपने आप से करेंगे. अंडरस्टैंड?